हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वजीत आपको हमारे चैनल पिटा के सॉल्यूशंस पे स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम और एक पीएचपी असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम असाइनमेंट 14 सॉल्व करेंगे। सो असाइनमेंट 14 का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्रिएट ए पीएचपी फाइल व्हिच शोज द फॉलोइंग फॉर्म विथ गिवन डिजाइन। इस डिजाइन से हमें एक फॉर्म बनाना है जहाँ पे फुल नेम रहेगा, ईमेल एंटर करने के लिए एक ऑप्शन रहेगा और कंपोज मेल करके एक बटन रहेगा। और ये जो फील्ड है सारे नॉन एम्प्टी रहेंगे, कंपलसरी टू फिल अप। आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म इट मूव्स टू अनदर पेज डिजाइन गिवन बिलो। नेक्स्ट डिजाइन पे ये मूव करेगा जब हम कंपोज मेल पे क्लिक करेंगे, तो ये वाले फॉर्म पे मूव करेगा। यहाँ पे टू सब्जेक्ट मैसेज और यहाँ पे एक अपलोड डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट, DOC हो, पिक्चर हो या PDF हो, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे भी सारे फील्ड कंपलसरी हैं, ऑल फील्ड्स आर कंपलसरी फ्रॉम द गिवन फॉर्म अबव फॉर्म। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल ईमेल आईडीज एंटर होंगे व्हेन यूजर सेंड मल्टीपल पर्संस बाय एंटरिंग देयर ईमेल आईडी सेपरेटेड बाय कॉमा। मतलब यहाँ पे मल्टीपल ईमेल आईडी एंटर होगा सेपरेटेड बाय कॉमा। जब यूजर सेंड बटन पे क्लिक करेगा तो ये इस तरह से एक मेल, इस फॉर्मेट से एक मेल सेंड होगा जो ईमेल आईडी यहाँ पे दिया होगा। यहाँ पे लिखा है जो भी मेल आईडी एंटर होगा उस मेल आईडी का फर्स्ट वर्ड, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई दिया गया है एक मेल आईडी, सैंपल मेल आईडी दिया गया है, तो बिफोर आर द रेट तक जितने वर्ड, जितने लेटर्स रहेंगे वो यहाँ पे उसका डियर उस वर्ड यहाँ पे कंकैटिनेट हो जाएगा। देन मैसेज, यहाँ पे जो मैसेज कंपोज किया जाएगा वहाँ पे आएगा। देन एक डाउनलोड द अटैचमेंट फॉर्म, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा वो वहाँ पे अटैच हो जाएगा। देन थैंक्स, थैंक्स एंड रिगर्स, और यहाँ पे पहले वाले फॉर्म से जो नाम था, जो ईमेल आईडी था, वो वहाँ पे अटैच होगा। सो ये वाला फॉर्मेट में मेल जनरेट होगा और यहाँ पे जितने भी मेल आईडी एंटर किए जाएंगे वो सारे मेल आईडी पे वो ये वाला मैसेज चला जाएगा। बस ये वाला पार्ट हर मेल आईडी के लिए चेंज होगा। ओके, ये हमारा असाइनमेंट है और यहाँ पे नीचे भी इंस्ट्रक्शंस कुछ हैं। यूज आज बेन आज पेज रिक्वायर्ड, यहाँ पे दो ही पेज हमें हमें रिक्वायर होगा। सीएसएस हम यूज कर सकते हैं, डोंट यूज डाटाबेस कनेक्शन, डाटाबेस कनेक्शन की यहाँ पे यूज नहीं करनी है। ये है हमारा असाइनमेंट आज का, तो शुरू करते हैं आज का असाइनमेंट। यहाँ पे मैं एडिटर यूज कर रहा हूँ, ड्रीम ओवर। सो ड्रीम ओवर 8, मेरा जाम फोल्डर पे मैं जा रहा हूँ, ई ड्राइव में है, और यहाँ पे मैं एसटी डॉक्स के अंदर एक असाइनमेंट फोल्डर है, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ असाइनमेंट 14 के लिए। असाइनमेंट 14, तो ये हमारा ड्रीम ओवर ओपन हो गया। मैं यहाँ पे एक पीएचपी फाइल लेता हूँ, पहले तो ये वाला फॉर्म डिजाइन होगा। तो जो कोड है इसे मैं इरेज कर रहा हूँ और इसे सेव कर रहा हूँ असाइनमेंट 14 के अंदर। लेट बी सेंडर डॉट पीएचपी, और यहाँ पे मैं पहले एक फॉर्म ले जाऊंगा, फॉर्म यहाँ पे इंसर्ट करूंगा जिसका मेथड होगा पोस्ट। ये आ गया, एक्शन हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, सो मैं यहाँ पे एक्शन इरेज कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमें एक टेबल चाहिए, जिस टेबल में क्या होगा, ये सेंडर इंफॉर्मेशन जो है ये वाला एक डिजाइन बनेगा, इसलिए हमें एक टेबल चाहिए। सो यहाँ पे मैं एक टेबल जहाँ पे मुझे 4 रो 2 कलम चाहिए, सो 4 रोज 2 कलम से मैं ले रहा हूँ। लेट बी विड्थ 500 पिक्सल, ये आ गया टेबल। मैं डिजाइन भी पे जा रहा हूँ और इस टेबल को सिलेक्ट करके अलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे सेंटर अलाइन, ये हो गया। तो ये वाले ऑप्शन को मैं मर्ज कर रहा हूँ, यहाँ से मर्ज कर रहा हूँ मैं। देन जो कंटेंट है सेंडर इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ और इसे
अलाइनमेंट सेंटर कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट फुल नेम देने के लिए ऑप्शन है, सो यहाँ पे मैं फुल नेम डाल रहा हूँ। देन यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे मैं ईमेल डाल रहा हूँ। सो मुझे यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए और एक बटन भी चाहिए यहाँ पे कंपोज मेल का। सो गो टू इन शॉर्ट, देन गो टू फॉर्म और यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड। सो नो लेवल टैग से यहाँ पे मैं टेक्स्ट फील्ड ले रहा हूँ और वही वाला टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे एक बटन चाहिए, सो फॉर्म बटन नो लेवल टैग, देन ओके। और यहाँ पे बटन सबमिट बटन होना चाहिए और यहाँ पे वैल्यू कंपोज मेल का वैल्यू यहाँ पे रहना चाहिए, कंपोज मेल। सो वैल्यू कंपोज मेल, सो हो गया यहाँ पे कंपोज मेल। सो थोड़ा फॉर्मेटिंग इसका चेंज कर रहा हूँ, लेट बी एरियल, और इसका टेबल का पूरा जो टेबल है उसका मैं एक सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर रहा हूँ, लेट बी येलो। और यहाँ पे ये दोनों रो को मैं कुछ अलग कलर दे रहा हूँ, लेट बी दिस वन। ये मेरा थोड़ा डिज़ाइन हो गया फॉर्म। ओके, अब मैं रन करूँगा। सो रन करूँगा मैं। सो रन करने के लिए मुझे मेरा जाम शुरू करना पड़ेगा। यहाँ मेरा जाम शुरू नहीं हुआ है, जाम कंट्रोल। सो स्टार्ट कर दिया यहाँ पे मैं, तो शुरू हो गया जाम। देन यहाँ पे मैं रन करूँगा। सो लोकल फर्स्ट असाइनमेंट A14। सो सेंडर डॉट PHP। सो ये मेरा डिज़ाइन आ गया यहाँ पे। सो उसके बाद मुझे क्या करना है, जब मैं कंपोज ये वाले फॉर्म पे हमें और एक काम करना है, नॉन एम्प्टी वैलिडेशन देना है। और जब ये बटन पे क्लिक होगा तो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नॉन एम्प्टी वैलिडेशन के लिए मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड HTML5 वाला ऑप्शन ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मेंशन नहीं है कौन सा वैलिडेशन हमें लेना है, तो हम यहाँ पे कोई भी वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं, लेट बी HTML5 वैलिडेशन। और यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ, लेट बी नेम एंड ईमेल। और यहाँ पे टाइप भी मैं ईमेल दे देता हूँ ताकि ईमेल वैलिडेशन भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा इसके साथ, ईमेल टाइप। तो क्या होगा, जब एक कंपोज मेल पे क्लिक होगा तो नेक्स्ट पेज पे मूव करेगा। और नेक्स्ट पेज पे जाने के साथ ये वैल्यू भी हमें चाहिए, आगे हमें चाहिए ये प्रीवियस फॉर्म का वैल्यू हमें चाहिए। तो इसीलिए क्या होगा, जब नेक्स्ट पेज पे जाएगा तो ये वैल्यू भी, ये जो दो वैल्यू है वो कैरी करके लेके जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, PHP शुरू करते हैं इसके नीचे। सो देन PHP इफ इफ सो इफ इज सेट, सो ये बटन का नाम है सबमिट। सो इसलिए हम यहाँ पे दे रहे हैं इफ इज सेट, फॉर्म पोस्ट पे है। सो डॉलर पोस्ट सबमिट, अगर ये बटन प्रेस हो रहा है, सबमिट बटन प्रेस हो रहा है तो क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे जाएगा वैल्यू कैरी करके। सो वैल्यू कैरी करने के लिए हम यहाँ पे एक सेशन से हम वैल्यू लेंगे। सो सेशन स्टार्ट यहाँ पे यूज कर देते हैं, सेशन स्टार्ट। सो सेशन स्टार्ट पे वैल्यू कैरी करेंगे। सो उसी तरह यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर सेशन, सो पे वैल्यू हम स्टोर करेंगे। वो वैल्यू कहाँ से आएगा, वो वैल्यू नेम का वैल्यू यहाँ पे नेम पे आएगा। सो नेम लेने के लिए हम यहाँ पे सेशन वेरिएबल नेम दे रहे हैं और यहाँ पे हम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट से वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। और ये जो पोस्ट है, ये नेम पोस्ट है, ये फॉर्म से आ रहा है। सो उसी तरह मेल के लिए भी हम, सो यहाँ पे ईमेल के लिए भी हम एक सेशन वेरिएबल ले रहे हैं और ईमेल फील्ड से ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। हाँ, ईमेल फील्ड से वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा, अभी नेम भी जा रहा है, ईमेल भी जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। सो
हेडर लोकेशन से हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे. सो LOCATION हेडर लोकेशन, देन सपोज मेरा नेक्स्ट पेज है compose.php. सो compose.php. सो अभी तक compose.php बना नहीं है, सो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं compose.php. जो कोड था इसे मैं इरेज कर दिया, सो यहाँ पे compose.php क्रिएट कर रहा हूँ, देन क्लिक ऑन सेव बटन. सो compose.php यहाँ पे हो गया. जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वैल्यू कैच करेगा और compose.php मूव करेगा. सो चेक करते हैं. हाँ देखिए यहाँ पे सेशन स्टार्ट कुछ एरर दिखा रहा है, कैन नॉट सेंड सेशन हेडर ऑलरेडी सेंड बाय सेशन. सो क्या हुआ यहाँ पे, तो सेशन का जो वैल्यू है हम क्या करते हैं इसे पेज के ऊपर ही इसे डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर डिक्लेयर करेंगे तो वार्निंग वगैरह नहीं आएगा. सो सेशन स्टार्ट, सो देखिए यहाँ पे वार्निंग भी नहीं आ रहा है और यहाँ पे हम कुछ वैल्यू वगैरह दे रहे हैं. लेट बी दिस वन कंपोज मेल, यहाँ पे और एक वार्निंग आ रहा है कैन नॉट मॉडिफाई हेडर इंफॉर्मेशन. जैसे कि लास्ट असाइनमेंट में हमने डिस्कस किया है इसके बारे में, सो हेडर काम नहीं करेगा, कुछ कुछ जगह पे वार्निंग दिखाएगा. सो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओबी स्टार्ट एक फंक्शन है, ओबी स्टार्ट वो यूज करना पड़ेगा हेडर के लिए. सो अब चेक करते हैं, कोई नाम दे दिया यहाँ पे, कोई ईमेल दे दिया कंपोज मेल. देखिए ये compose.php पे मूव कर गया और यहाँ पे कुछ अभी तक डाला नहीं गया है compose.php में, इसमें ये ब्लैंक दिखा रहा है. सो ये compose.php पे मूव कर रहा है. तो अब हम compose.php का डिज़ाइन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है compose.php. सो यहाँ पे हमें एक फॉर्म डिज़ाइन करना है. सो लेट बी इंसर्ट करते हैं यहाँ पे फॉर्म. सो इंसर्ट देन फॉर्म देन फॉर्म. सो यहाँ पे पोस्ट मेथड से हम एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, ये आ गया फॉर्म. यहाँ पे एक्शन हम कर देंगे, सो इसके अंदर हमें एक टेबल चाहिए ये डिज़ाइन बनाने के लिए. सो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 रो लिए गए हैं और दो कलम चाहिए यहाँ पे, 6 रो 2 कलम से हमें एक टेबल चाहिए. लेट बी रो 6 कलम 2, लेट बी विड्थ यहाँ पे 600 कर देते हैं हम यहाँ पे. सो बॉर्डर थिकनेस 0, सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग 0 रहने दीजिए. सो ये आ गया हमारा टेबल यहाँ पे. सो डिज़ाइन पे जाएंगे, ये टेबल आ गया, इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और अलाइन सेंटर कर देते हैं. इसका अलाइन सेंटर कर दिया अभी, तो हम अभी यहाँ पे फॉर्म बनाना शुरू करेंगे. सो इसको पहले हम मर्ज कर देते हैं, यहाँ से है मर्ज ऑप्शन, मर्ज कर दिया. देन यहाँ पे लिखेंगे कंपोज ईमेल. सो कंपोज ईमेल, देन यहाँ पे हम 2. सो यहाँ पे देखिए ये कॉलोन भी जो दिया गया है एक अलाइन की तरह से यहाँ पे आया हुआ है. हम यहाँ पे और एक स्प्लिट करके और एक कलम भी यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं. सो कलम, सो ये जो है वो कलन रखने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कलन रखने के लिए जैसे कि हमारे डिज़ाइन पे दिया गया है. ओके सो आप इसे खींच के इस टेबल को अलाइन कर सकते हैं. लेट बी 2. सो यहाँ पे हम 2 को कॉपी कर लेते हैं, 2. देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट 2 कलम्स. ओके स्प्लिट 2 कलम्स, देन स्प्लिट 2 कलम्स. ओके देन नेक्स्ट हम मैसेज ले सकते हैं, मैसेज यहाँ पे मैसेज और यहाँ पे अपलोड डॉक्स और यहाँ पे हम कलोन यूज कर सकते हैं, ऐसे कलोन यूज कर सकते हैं. सो कलोन हो गया यहाँ पे और कलोन को थोड़ा सेंटर अलाइन कर सकते हैं यहाँ पे. और यहाँ पे हमें फॉर्म कंपोनेंट चाहिए, एक तो टेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पे भी टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया चाहिए और यहाँ पे फाइल अपलोड का
फील्ड चाहिए, कंपोनेंट चाहिए। सो ले फॉर्म जाते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड, ओके, देन ओके, यहाँ पे इंसर्ट फॉर्म टेक्स्ट एरिया। हमेशा याद रखना है नॉन लेबल टैग, हमें यहाँ पे लेबल टैग नहीं चाहिए। सो नो लेबल टैग ऑन रहना चाहिए यहाँ पे, लो लेवल टैग। देन यहाँ पे फाइल अपलोड, सो फॉर्म यहाँ पे ऑप्शन है फाइल फील्ड, सो फाइल फील्ड यहाँ पे लेंगे। और यहाँ पे हमें एक बटन चाहिए, यहाँ पे हमें एक बटन चाहिए जैसे कि सबमिट बटन होगा, ओके, यहाँ पे लिखा होगा सेंड, ये बटन जो डिजाइन दिया गया है हमें, यहाँ पे लिखा होगा सेंड, तो वैल्यू हम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, ओके। ये हमारा फॉर्म हो गया। अभी हम थोड़ा रिफ्रेश करेंगे कंपोज डॉट पी एच पी पे, देखिए ये फॉर्म आ रहा है पर इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा इसे फॉर्मेटिक डाल देते हैं। तो इसको वैसे ही फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, इसको अलाइन सेंटर कर लेते हैं, और इस टेबल को पूरा एक कलर कलर ऐड कर देते हैं टेबल को, लेट बी दिस वन, एंड ये जो फील्ड है इसको एक अलग कलर कर देते हैं, लेट बी दिस वन। तो ये फॉर्म का डिजाइन बन गया, ओके। तो आप अपने हिसाब से ये डिजाइन बना सकते हैं। सो अब रिफ्रेश करेंगे, सो देखिए ये फॉर्म डिजाइन आ गया अभी यहाँ पे। और ये थोड़ा बॉक्स को भी अलाइन करते हैं, जैसे डिजाइन पे दिया गया है बॉक्स को भी अलाइन करते हैं। सो यहाँ पे हम CSS यूज कर देंगे, तो CSS में हम एक स्टाइल ले लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिख देंगे, सो विड्थ लेट बी 250 पिक्सल। सो देखते हैं, सो 250 पिक्सल, और यहाँ पे चाहे तो हाइट भी हम ले सकते हैं, हाइट लेट बी 40 पिक्सल। एक को देखते हैं कैसा दिखता है, देखिए ये हो गया 40 पिक्सल, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेट बी 25, 25 या फिर इसे 30 भी कर लीजिए, 30 पिक्सल, हाँ ये ठीक रहेगा अभी। सो स्टाइल, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, जो सेकंड टेक्स्ट फील्ड है, जो टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया में हम थोड़ा साइज बड़ा कर देंगे, लेट बी 70 पिक्सल, ओके। और ये फाइल इनपुट का भी वही दे देते हैं, देन रिफ्रेश। सो देखिए ये अभी सबका ऐसे आ गया, ओके, सबका ऐसे डिजाइन होके आ गया। सो यहाँ पे टू रहेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे मैसेज रहेगा, और यहाँ पे कंपोज मेल, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑप्शन रहेगा, और यहाँ पे सेंड रहेगा। सेंड भी थोड़ा यहाँ पे हम सेंड यूज कर लेते हैं, और इसका हम यहाँ पे 150 दे देते हैं विड्थ। सो देखते हैं सेंड बटन, सो सेंड बटन। सो अभी हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, पहले तो इसे ऑल फील्ड्स आर कंपलसरी, लाइक बिफोर जो सेंडर डॉट पी एच पी किया था उसी तरह यहाँ पे ऑल फील्ड्स कंपलसरी करने पड़ेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हम रिक्वायर्ड यूज करेंगे कंपलसरी के लिए, रिक्वायर्ड यूज करेंगे कंपलसरी के लिए। सो सारे फील्ड कंपलसरी है, टेक्स्ट एरिया, देन यो फाइल अपलोड, कंपलसरी ऑल द फील्ड्स आर। सो ये रिक्वायर्ड हो गया अभी। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे कोड शुरू करना है मेल सेंड होने के लिए, और यहाँ पे दिया गया है, सो मल्टीपल ईमेल आईडी यूजर एंटर करेगा सेपरेटेड बाय कॉमा, और उसे मेल जाना चाहिए मल्टीपल ईमेल अपलोड करने के लिए, और यहाँ पे एक फाइल अपलोड का भी ऑप्शन होगा। तो पहले फाइल अपलोड से कोड शुरू करते हैं, फाइल अपलोड से। सो फाइल अपलोड करने के लिए तो क्या होगा, सो यहाँ पे फॉर्म के नीचे हम कोड शुरू करेंगे, सो PHP देन ये वाला। सो यहाँ पे बटन प्रेस होने से ही मेल जाएगा, सो ईप हमने यहाँ पे शुरू कर दिया, सो इस सेट,
सो बटन प्रेस होने से जाएगा, सो यहाँ पे इस सेट डॉलर पोस्ट देन इसका नाम है सबमिट। देखिए इमेज अपलोड करने के लिए यहाँ पे ये बटन प्रेस करने से हमारा इमेज अपलोड होगा, और इमेज अपलोड के लिए ध्यान में रहेगा फॉर्म का ईएनसी टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा ऑन होना चाहिए, इससे इमेज अपलोड होगा। तो इमेज अपलोड के लिए हम कोड लिखते हैं, पहले तो एक वेरिएबल लेते हैं, सपोज लेट बी आर वन। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल ले लिया आर वन, और यहाँ पे हमने यूज किया रैंड फंक्शन। सो रैंड फंक्शन में हमने यहाँ पे दे दिया लेट बी 99 से 999 तक हमने वेरिएबल दे दिया, मतलब जब जितने बार भी ये पेज रिफ्रेश होगा ईच टाइम एक रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट होगा और ये आर वन पे स्टोर होगा। काम क्या है आगे देखेंगे उसका। तो यहाँ पे हमने और एक वेरिएबल लिया है पाथ। सो यहाँ पे इमेज का पाथ स्टोर होगा कहाँ कैसे, अगर यहाँ पे सॉरी इमेज मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अगर अपलोड किया जाएगा, सो लेट बी पिक्चर डॉट डी ओ सी एक्स, तो क्या होगा यहाँ पे उसका इमेज का जो पाथ है यहाँ पे जो दिखा रहा है जो पिक्चर डॉट डी ओ सी एक्स वो यहाँ पे स्टोर होगा। सो तो हम क्या करेंगे कैसे स्टोर होगा पिक्चर डॉट डी ओ सी एक्स उस वेरिएबल से, तो हम यहाँ पे एक यूज करेंगे यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे, दैट फंक्शन इज बेस नेम फंक्शन। सो बेस नेम फंक्शन से ये यूज होगा, सो बेस नेम फंक्शन से यूज होगा कैसे, पहले तो ये एक पैरामीटर एक वैल्यू यहाँ पे हमें एक पैरामीटर स्पेस देना पड़ेगा, जैसे कि डॉलर अंडरस्कोर फाइल। सो फाइल कंपोनेंट से अगर हमें वैल्यू भी आज करना, अगर ये जो जनरल कंपोनेंट था फॉर्म का सो यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे थे, तो अगर फाइल कंपोनेंट से हमें वैल्यू देना है तो हमें डॉलर पोस्ट के जगह पे डॉलर फाइल्स यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एक चीज मिस कर दिया, वो कर लेते हैं, पहले उसका नाम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेल आईडी जहाँ पे दिया गया है टू, इसका हम टू दे रहे हैं, और सब्जेक्ट एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट दे रहे हैं, और मैसेज एंट्री करने के लिए यहाँ पे मैसेज का नाम दे रहे हैं, और फाइल का नाम फाइल लेने दीजिए। ओके तो यहाँ पे नेमिंग हो गया, और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रहे, जैसे टू आपने यूज किया है टू, यहाँ पे टाइप ईमेल मत डालिएगा क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीपल ईमेल लेना है, सो टाइप टेक्स्ट ही रहने दीजिए, यहाँ पे ईमेल मत कीजिएगा टाइप ईमेल। सो यहाँ पे क्या होगा जो फाइल नेम था फाइल, सो यहाँ पे हमने फाइल दे दिया, और ये नेम स्टोर करने के लिए सो हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे नेम, दैट इज कंपलसरी, आप इसे चेंज मत मतलब कुछ रख नहीं सकते। नेम मतलब वो जो अपलोड किया जाएगा यहाँ से फाइल अपलोड से, वो उसका नेम एंड एक्सटेंशन कैच करेगा और पाथ पे स्टोर करेगा। और इससे पहले हमने क्या किया यहाँ पे डॉट आर वन को कंकैटिनेट कर दिया, मतलब ईच टाइम जब फाइल स्टोर होगा एक रैंडम नंबर इसके साथ ऐड होगा और पाथ में स्टोर हो जाएगा। क्यों किया गया ये, क्योंकि अगर सेम नेम एंड एक्सटेंशन पे कोई फाइल अपलोड होता है तो वो रिप्लेस ना हो, तो हर बार ये नंबर एक नंबर जनरेट करेगा और ऐड कर देगा उस फाइल नेम जो ओरिजिनल फाइल अपलोड होगा उसके साथ ऐड कर देगा। तो अभी फाइल अपलोड नहीं हुआ है, अभी सिर्फ फाइल का नाम यहाँ पे आ गया है, अब फाइल अपलोड करेंगे। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे हमने एक इफ ले लिया है, और यहाँ पे एल्स, इसका एल्स पार्ट भी डाला हुआ है, और एल्स अगर यहाँ पे फाइल अपलोड नहीं हो रहा है या फिर कोई एरर दिखा रहा है तो यहाँ पे हमें मैसेज दिखाएगा एरर इन फाइल अपलोडिंग। सो एरर इन फाइल अपलोडिंग, सो यहाँ पे एक एरर दिखाएगा, सो इसीलिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है। और यहाँ पे फाइल अपलोड करने के लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा, वो फंक्शन है एट द रेट मूव अपलोडेड, सॉरी यहाँ पे कॉपी हो गया, मूव अपलोडेड फाइल, और यहाँ पे फंक्शन
पैरेंथेसिस, यहाँ पे दो पैरामीटर हम पास करेंगे। पहला पैरामीटर तो ये वाला पैरामीटर, क्योंकि ये सर्वर के अंदर अपलोड जब हो जाएगा तो क्या करेगा ना, एक टेम्प नेम से स्टोर होगा, जैसे कि लिया था ओरिजिनल नेम से और सर्वर पे स्टोर होगा टेम्प नेम से। टेम्प नेम मतलब क्या है इसका, आप यहाँ पे पिक्चर डॉट डी ओ सी एक्स अपलोड कर रहे हैं, तो क्या होगा जब ये अपलोड हो जाएगा तो इसके साथ एक रैंडम नंबर ऐड हो जाएगा, मतलब ये रैंडम नंबर और पिक्चर डॉट डी ओ सी एक्स दोनों ऐड होके यहाँ पे सर्वर पे स्टोर होंगे। और इसका सेकेंड पैरामीटर होगा ये पाथ, किस पाथ से ये स्टोर हो रहा है, आ रहा है वो वेरिएबल किस पाथ से आ रहा है ये स्टोर होगा। अगर इमेज अपलोड सक्सेसफुली हो जाता है तो क्या होगा ना, अभी अपलोड हो गया, अपलोड होने के बाद यहाँ से हम ईमेल का काम शुरू करेंगे। अपलोड होने के बाद ये इमेज अपलोड हो गया, थोड़ा चेक कर लेते हैं इमेज काम कर रहा है कि नहीं, रिफ्रेश कर लेते हैं उसको। कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे देते हैं, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे इसे दे देते हैं, इनविटेशन टू माय बर्थडे पार्टी, माय पार्टी। तो यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया कम टू माय पार्टी 8:09 PM टुडे। तो यहाँ पे हमने कोई भी इमेज अपलोड कर दिया, लेट बी दिस वन इमेज दे दिया हमने और सेंड बटन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे हमने मैसेज कुछ दिया नहीं था, हम चेक करेंगे कि ये अभी हुआ है कि नहीं, इमेज स्टोर हुआ है कि नहीं। तो हमारा असाइनमेंट फोल्डर असाइनमेंट 14, देखिए हमने यहाँ पे इमेज स्टोर किया था और इमेज यहाँ पे आ गया, जो इमेज हम अपलोड कर रहे थे सो इमेज आ गया। तो देखिए हमने एक नाम दिया हुआ था इमेज का और वो नाम के साथ एक नंबर कंकार्डिनेट हो गया, जैसे कि 224 रैंडमली 224 यहाँ पे कंकार्डिनेट हो गया और ये इमेज यहाँ पे आ गया, ये बटन वाला इमेज यहाँ पे आ गया जो हमने अपलोड किया था। ओके, मतलब ये इमेज अपलोड अभी काम कर रहा है। सो इसके अंदर हम मेल का शुरू करेंगे, इस इमेज के अंदर। सो पहले क्या होगा कि यहाँ पे यूजर मल्टीपल मेल आईडी दे सकता है, मल्टीपल मेल आईडी। सो और कंडीशन यहाँ पे दिया गया है कि मल्टीपल मेल आईडी जब दिया जाएगा तो कॉमा से सेपरेटेड होगा, मल्टीपल मेल आईडी सो कॉमा देके वो सेपरेट करेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीपल मेल आईडी जो दिया जा रहा है सो हम एक वेरिएबल लेते हैं, लेट बी ईमेल आईडी। सो ईमेल आईडी यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे हमने एक्सप्लोर कर दिया उसको। एक्सप्लोर फंक्शन का काम है कि जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे पास होगा और जो मैचिंग कैरेक्टर यहाँ पे दिया जाएगा उसी हिसाब से ब्रेक करेगा, आर ए क्रिएट करेगा और ये जो यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो एक आर ए में कन्वर्ट हो जाएगा, आर ए में स्टोर हो जाएगा। सो हमें यहाँ पे दिया गया है कॉमा जहाँ पे मिलेगा वहां से ब्रेक करेगा और किसका वैल्यू, ये टू का वैल्यू, ये जो टू से जो आएगा उसका। सो अगेन डॉलर पोस्ट, सो टू से जो आएगा उसको ब्रेक करेगा कॉमा और आर ए में स्टोर करेगा, जितना ईमेल आईडी आएगा उतना आर ए यहाँ पे क्रिएट होगा। ओके, सो आर ए जब क्रिएट होगा सो उसके बाद क्या करना है, सो उसी हिसाब से उतने लोगों को मेल जाएगा, जितना मेल आईडी यहाँ पे एंटर होगा उसी हिसाब से उतने लोगों को मेल जाएगा और मेल का जो पहला वार्ड होगा, आर्डर से पहले जो वार्ड होगा वो वहाँ पे कंकार्डिनेट होगा। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, तो मेल सेंड करने के लिए सो ये हमें इस तरह का एक मेल चाहिए जैसे कि दिया गया है, एक फॉर्मेटेड मेल टाइप है। सो ये फॉर्मेटेड मेल भेजने के लिए सो हम एक हेडर डिक्लेयर करेंगे, लेट बी हेडर्स इक्वल टू सो पहले तो हम देखेंगे कहाँ से ये आ रहा है मेल, फ्रॉम। सो हम मेल कौन सेंड करेगा, सेंडर, सेंडर वाला जो वैल्यू था वो कहाँ से आ रहा था, वो सेंडर डॉट पी एच पी से आ रहा था, यहाँ से आ रहा था वो सेंडर का जो वैल्यू था, सेंडर था। और ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रहा था, इस सेशन में स्टोर हो रहा था, इस सेशन मेल पे स्टोर हो रहा था सेंडर का वैल्यू। सो हम यहाँ पे क्या कर दिए, फ्रॉम जो वैल्यू आएगा वो सेंडर से आएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, सो फॉर्मेटेड मेल हम सेंड कर रहे हैं, हमने असाइनमेंट 13 में भी ये किया हुआ है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके साथ इस हेडर के साथ कुछ और पैरामीटर कंकाटिनेट करेंगे, जैसे एम आई एम ई वर्सन हमें यहाँ पे देना होगा। सो डबल कोट एम आई एम ई हाइपेन वर्सन बी ई आर एस आई ओ एन वर्सन, और यहाँ पे हमें 1.0 वर्सन हम यूज कर रहे हैं। देन यहाँ पे आप स्लैश आर और स्लैश एन यूज कर सकते हैं, देन सेमीकोलन। तो एम आई वर्सन पे हमें मेल सेंड करना पड़ेगा, और हम यहाँ पे फॉर्मेटेड मेल भेज रहे हैं इसीलिए। सो कंटेंट टाइप हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, कंटेंट टाइप इसका क्या है, इस जो फॉर्म जो पेज जा रहा है उसका कंटेंट टाइप हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। सो कंटेंट टाइप, सो टेक्स्ट स्लैश HTML, और यहाँ पे भी कैरेक्टर सेट सेमी कॉलन देंगे यहाँ पे आप। देन यहाँ पे कैरेक्टर सेट आप यूज करेंगे कार सेट, ओके। सो कार सेट हम यहाँ पे ISO दे रहे हैं, ISO 8859-1 और backslash R और backslash N, ओके। सो यहाँ पे हम यूज कर देंगे हेडर्स, ये दो हमें चाहिए क्योंकि हमें फॉर्मेटेड है, हमें सिंपल टेक्स्ट भेजना है तो ये हमें नहीं चाहिए। हमें अगर कोई इमेज वगैरह मेल में भेजना है, डॉक्यूमेंट मेल में भेजना है, या फिर एक फॉर्मेटेड डिजाइन के हिसाब से मेल भेजना है तो हमें ये यूज करना पड़ेगा, ओके। सो ये हम फिक्स कर लिए, मेल पे आ जाएगा अभी। अभी क्या होगा, शुरू करते हैं एक लूप, क्योंकि जितना भी यहाँ पे मेल एंटर किया जाएगा सेपरेटेड बाय कॉमा उतने लोगों को मेल जाएगा। सो और ये जितना लोग हैं वो यहाँ पे स्टोर हो गया है आरे में, कितना मेल आईडी है ये आरे पे स्टोर हो गया है, ईमेल आईडी जो आरे हमने बनाया है वहाँ पे स्टोर हो गया है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर इच लूप लेते हैं। यहाँ पे फॉर इच आरे के लिए यूज किया जाता है। सो ईमेल आईडी आज हमने यहाँ पे कीवर्ड यूज कर दिया आज, सो एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट बी अ मेल। सो ईमेल आईडी का जो ईमेल आईडी जो आरे में स्टोर हुआ है वो एक एक करके मेल पे स्टोर हो जाएगा, ओके। सो फॉर इच में हमें क्या करना है, सो ये हो गया। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर कोई किसी ने एक मेल आईडी दिया फिर कॉमा दिया, यहाँ पे स्पेस भी दे सकता है, सपोज वो स्पेस दे के कोई भी मेल आईडी यहाँ पे एंटर कर सकता है। और जब हमने क्या किया है, यहाँ पे कॉमा से सेपरेट किया है, मतलब ये तो सपोज यहाँ पे मैं एक मेल आईडी यूज कर लेता हूँ bisojit@kaustav.ac.in। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हम कॉमा देके सेपरेट कर रहे हैं, सो एक तो ये ले जाएगा पहला वाला, कॉमा देके सेपरेट हो गया, जहाँ पे कॉमा मिल गया वो स्टोर कर दिया। पर दूसरे का क्या होगा ना, कॉमा के साथ ये स्पेस भी ले जाएगा, दूसरे मेल आईडी का कॉमा के साथ ये स्पेस भी ले जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कोई यूजर यहाँ पे कॉमा दे रहा है तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट बी मेल वन, मेल वन यहाँ पे ट्रिम यूज करते हैं। सो ट्रिम का काम है, अगर उसके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कोई किसी ने स्पेस दे दिया तो क्या करेगा, ट्रिम उसे उस स्पेस को रिमूव कर देगा वहां से। सो हम ये वेरिएबल को मेल को इसमें पास कर दिया और मेल वन में स्टोर हो गया, मतलब यहाँ पे स्पेस वगैरह सब हट गया है और मेल वन जो है वो कम्प्लीटली मेल आईडी कंटेन करेगा, ओके। सो मेल वन का तो हो गया, पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, अगर कोई मेल आईडी आता है तो उसका जो फास्ट वर्ड है बिफोर आर द रेट वो यहाँ पे दिखाएगा, मेल आईडी का जो बिफोर आर द रेट जो वैल्यू है वो वहां पे दिखाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से ये जो मेल है ये कंप्लीट मेल आईडी ले रहा है, उससे उसका फास्ट वर्ड बिफोर आर द रेट तक जो वर्ड होगा वो एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इसके लिए हमें एक और एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे डॉलर लग भी ईमेल नेम, यहाँ पे हम ईमेल नेम ले रहे हैं। सो ईमेल नेम एक्सप्लोर, फिर से हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जैसे पहले क्या था, जहां पे उसको आर द रेट सिंबल मिलेगा वहां से एक्सप्लोर करेगा, जहां से उसको आर द रेट सिंबल मिलेगा
वहां से एक्सप्लोर करेगा किस वेरिएबल से, ये वाले वेरिएबल से, यहाँ पे ट्रिम होके ट्रिम होने के बाद यहाँ पे स्टोर हुआ है तो यहाँ से मेल वन से वो स्टोर कर लेगा। सो ये अभी उसको नाम भी मिल गया। ओके सो अब हमें क्या करना है, मेल सेंड करना है। सो मेल सेंड करना है मतलब इस तरह से हमें इस फॉर्मेट में हमें मेल सेंड करना है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेल का जो यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे मैसेज, एम ई एस एस ए जी मैसेज एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे। सो हम यहाँ पे मैसेज कंपोज करेंगे, पहला लिखा गया है यहाँ पे डियर, उसका नाम जो मेल आईडी का जो हाफ था वहां पे यहाँ पे सिंगल कोट लिया और लिखा डियर, यहाँ पे स्पेस दे दिया और यहाँ पे जो ईमेल नेम है वो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दिया, जो ईमेल नेम है वो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दिया। सो वहां उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉमा दिया गया है, कॉमा दिया गया है यहाँ से, तो हम यहाँ पे कॉमा को भी कॉन्कैटिनेट करते हैं। उसके बाद क्या हुआ है, थोड़ा स्पेस दिया गया है, जो मैसेज यहाँ से जो मैसेज है वो आके कॉन्कैटिनेट होगा। सो हमने क्या किया, स्पेस देने के लिए यूज योर बी आर ब्रेक हम दे देते हैं यहाँ पे, सपोज दो बार हमने ब्रेक दे दिया। ओके सो उसके बाद क्या करना है, मैसेज से हमें वैल्यू कॉन्कैटिनेट करना है। सो लेट बी डॉट जो वैल्यू मैसेज से आ रहा है, सो मतलब फॉर्म कंपोनेंट मैसेज से आ रहा है वहां पे हम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, इसका नाम यहाँ पे था मैसेज। सो मैसेज से हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दिए। ओके कॉन्कैटिनेट हो गया मैसेज से, मतलब जो मैसेज से जो आ रहा था वो कॉन्कैटिनेट हो गया। उसके बाद फिर से उसके बाद फिर से हमें क्या ब्रेक देना है अभी। सो फिर से हमने सिंगल कोट शुरू किया और फिर से ब्रेक, और फिर से यहाँ पे ब्रेक ऐड कर दिया, दो बार ब्रेक ऐड कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हमें लिखना है डाउनलोड अटैचमेंट फ्रॉम हियर, यहाँ से डाउनलोड को अटैचमेंट को डाउनलोड करना है। सो डाउनलोड अटैचमेंट फ्रॉम हियर हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और हियर जो है वो हाइपरलिंक होगा उस डॉक्यूमेंट के साथ। सो हाइपरलिंक के लिए हम क्या यूज करेंगे, ए एच आर ई एफ हम यूज करते हैं एच टी एम एल में। सो ए एच आर ई एफ, सो ये ए वाला ही यहाँ पे हाइपरलिंक होगा। सो हमने इसको क्लोज कर दिया। सो ये कहाँ से आ रहा है, वो जो पाथ में जो स्टोर है उसी से आ रहा है। सो हम यहाँ पे पाथ, पाथ एक वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से फिर से बंद कर लेते हैं और फिर से यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर देते हैं पाथ, क्योंकि पाथ एक वेरिएबल है और यहाँ से जो आगे है वो स्ट्रिंग है। सो ये कॉन्कैटिनेट हो गया। उसके बाद क्या होगा, लिखा होगा थैंक्स एंड ट्रिगर्स। सो फिर से हमें यहाँ पे ब्रेक दे देते हैं, ब्रेक, सो फिर से ब्रेक। सो यहाँ पे लिखा है थैंक्स एंड रिगार्ड्स। सो उसके बाद भी दो तीन ब्रेक हैं। सो यहाँ पे हमने फिर से ब्रेक दे दिया और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नाम आ रहा था पहले फॉर्म से वो आएगा, जो ईमेल आईडी आ रहा था पहले फॉर्म से वो आएगा। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्कैटिनेट करते हैं फिर से, जो नाम यहाँ पे स्टोर किया गया है, नाम हमने यहाँ पे डॉलर सेशन में स्टोर कर रहे थे, सो डॉलर सेशन से यहाँ से लेके जाएंगे, कॉन्कैटिनेट कर देंगे। फिर यहाँ पे हमें चाहिए फिर यहाँ पे हमें मेल चाहिए, यहाँ पे अगर मतलब स्टेटमेंट लंबा हो रहा है तो आप यहाँ पे एंटर भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो यहाँ पे हमें फिर से ब्रेक यूज करना है, सो फिर से हम दो बार ब्रेक यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सो डॉट, सो यहाँ से फिर से ईमेल आईडी भी लाना है, जो ईमेल आईडी था डॉलर सेशन ईमेल आईडी पे स्टोर हो रहा था। सो हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया और फाइनली यहाँ पे सेमी कलर, ये हो गया हमारा अभी फॉर्म। सो ये हो गया हमारा अभी मैसेज। तो ये वाला मैसेज जो है वो अभी पास होगा जो भी यूजर यहाँ पे मेल आईडी एंटर करेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सो ये तो हो गया फॉर्मेट हो गया, अभी हमने मेल का फंक्शन लिखा नहीं है, हम यहाँ पे मेल फंक्शन लिख सकते हैं मेल। सो मेल फंक्शन यूज करेंगे, मेल का पहला पैरामीटर हो गया है टू, जिसको मेल भेजना होगा।
यहाँ पे मेल पे स्टोर हो रहा है वो मेल आईडी कंप्लीटली आके, ओके। सो यहाँ पे हमने मेल दे दिया, यहाँ से ट्रिम होने के बाद यहाँ पे मेल वन पे स्टोर हो रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, सब्जेक्ट इस फॉर्म से आएगा, ये जो दिया गया है यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम दिया गया है फॉर्म कंपोनेंट का, यहाँ से आएगा। सो इसलिए हम यहाँ पे डॉलर पोस्ट और इसका जो नाम है सब्जेक्ट, तो वो वाला यहाँ पे यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट, ओके। देन उसके बाद मैसेज आएगा, सो ये मैसेज यहाँ पे पास होगा, सो इसीलिए हम मैसेज यहाँ पे ले रहे हैं मैसेज, और उसके बाद ये हेडर वाला हेलो जो है यहाँ से कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, हेडर किसने सेंड किया है, एमआईएमए एंड कंटेंट टाइप जो है वो यहाँ पे पास हो जाएगा। सो ये हमारा मेल रेडी हो गया, और यहाँ पे हम एक मैसेज दे सकते हैं मैसेज, सो मेल सेंड सक्सेसफुली, सो मेल सेंड सक्सेसफुली। सो ये हो गया, अब रेडी हो गया अभी। तो यहाँ पे एक चीज हुआ है, सेशन का यूज हुआ है, सो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेशन यहाँ से शुरू करना पड़ेगा सेशन, और सेशन SESSION सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। सो सेशन का वेरिएबल यहाँ पे यूज हुआ है, सो हम यहाँ पे सेशन स्टार्ट करेंगे, और ये मेल फंक्शन जो है वो लोकल पे काम नहीं करेगा, हम इसे रिमोट सर्वर लेके हम इसे अपलोड करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। सो मैं यहाँ पे एक FTP यूज कर रहा हूँ, दैट इज फाइल जिला FTP, सो फाइल जिला। सो यहाँ पे मेरा डेमो सर्वर है, मैं यहाँ पे वो ओपन कर रहा हूँ, सर्वर कनेक्ट कर रहा हूँ उसका। सो ये सर्वर कनेक्ट हो गया, सो मेरा जो कोड था वो जाम्प पे था, ई ड्राइव पे, सो ई ड्राइव ST डॉक्स के अंदर था, और असाइनमेंट, और यहाँ पे A14, सो डायरेक्टली मैं A14 को यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। सो देखिए ये अपलोडिंग अभी चल रहा है, सो अपलोड हो गया सक्सेसफुली ट्रांसफर। सो हम अभी टेस्ट करेंगे, सो मेरा सर्वर था ऑनलाइन टेस्ट .in, और यहाँ पे एक A14 का असाइनमेंट था। A14 के अंदर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इंडेक्स नहीं है ना यहाँ पे, तो ये एरर दिखाएगा। सो A14 पे sender.php, सो sender.php हम जब लिखेंगे ये बड़ा आ गया अभी। सो हम यहाँ पे अभी चेक करेंगे, यहाँ पे मैं एक नाम दे रहा हूँ रमेश साहू, और यहाँ पे एक मेल आईडी दे रहा हूँ subhachadc@gmail.com, और जब मैं कंपोज मेल पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा फॉर्म आ गया। सो यहाँ पे मैं दो मेल आईडी दे रहा हूँ, एक तो vitacubesolutions@gmail.com, और यहाँ पे दूसरा दे रहा हूँ visvajit@stu.se.in, दो मेल आईडी यहाँ पे दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पे मैसेज दे रहा हूँ कम टू माई पार्टी टुडे। सो अपलोड डॉक्स, यहाँ पे मैं एक इमेज अपलोड कर रहा हूँ, लेट बी PHP का मास्टर दे रहा हूँ यहाँ पे, और सेंड। सो सेंड देने के बाद थोड़ा वेट करूँगा, ये लिखा मेल सेंड सक्सेसफुली, सो मैं चेक करूँगा मेरा मेल यहाँ पे, तो मेरा जो मेल है vitacube solutions का यहाँ पे मेल खुला हुआ है। सो दूसरा जो मेल दिया था मैंने वो भी मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, दूसरा मेल आईडी मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, सो वो मेरा ऑफिशियल आईडी था। visvajit@stu.in, नेक्स्ट,
ओके, मेल आईडी अभी ओपन हो रहा है, पहले वाला मेल आईडी था, मेल फंक्शन सेंड हुआ है, थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सर्वर पे जाने पे, सर्वर पे सेंड होने पे थोड़ा टाइम लेता है वो मेल, क्योंकि हमने सर्वर से भेजा हुआ है। और ये मेरा ऑफिशियल मेल आईडी है और ये मेरा बीटा क्यूब सॉल्यूशंस का मेल आईडी है, चेक करते हैं। स्पामिंग भी जा सकता है, चांसेस है स्पाम पे भी जाने के लिए, इसलिए थोड़ा स्पाम वाम अगर, हाँ यहाँ पे मेल आ गया है सुबह से इसी से, देखिए इनविटेशन यहाँ पे मेल आ गया है, मैंने इसे रिपोर्ट नोट स्पाम कर दिया तो इनबॉक्स में आ गया। तो देखिए यहाँ पे मेल आ रहा है, हाँ यहाँ पे आर ए एक आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आर ए दिखा रहा है, और यहाँ पे दूसरा भी मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ पे तो नहीं आया है, यहाँ पे भी स्पाम, हाँ यहाँ पे भी स्पाम पे आ रहा है। सो हाँ यहाँ पे भी मेल आ गया है, पर यहाँ पे एक तो आर ए दिखा रहा है, यहाँ पे वो मेल आईडी का पार्ट आना चाहिए, और दूसरा क्या होगा जब क्लिक करेंगे ना, ये अटैचमेंट ओपन नहीं होगा, क्योंकि जब हम कोई ऑनलाइन सर्वर यूज कर रहे हैं तो जब हम पाथ यहाँ पे देंगे फाइल का, तो ये ऑनलाइन सर्वर और ये जो फोल्डर था, ये कंप्लीट पाथ, ये कंप्लीट पाथ हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, और यहाँ पे जो पाथ था AHREF का जो पाथ था, यहाँ से मैंने वो पाथ ऐड कर लिया, पहला काम तो हो गया। दूसरा जो था, यहाँ पे जो एक्सप्लोर हुआ है ईमेल नेम पे है, यहाँ पे क्या होगा, ये आर ए पे कन्वर्ट कर रहा है, मतलब जो आर द रेट से पहले हो पहले आएगा वो एक आर ए, जो आर द रेट के बाद आएगा वो एक आर ए। सो पहले जो आएगा, सो ईमेल पहले आएगा, मतलब ये पहला इंडेक्स, मतलब जीरो इंडेक्स पे स्टोर कर गया। अब ये दो चेंजेस हो गया, सो फिर से हम क्या करते हैं, वो अपलोड करते हैं, सिर्फ compose.php को अपलोड करना है। compose.php को सिर्फ हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, ओके। सो compose.php अपलोड हो गया यहाँ पे, और जो मेल था वो उसे हम डिलीट कर रहे हैं, जो पहला जो मेल आया था इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, और ये अपलोड हो गया सक्सेसफुली। अब हम चेक करते हैं, तो इसको थोड़ा फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, सेकंड वाले फास्ट वाले फॉर्म जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आ चुका होगा। सेकंड वाला जो था, यहाँ पे हम दो ईमेल आईडी सेपरेटली दे रहे हैं, यहाँ पे मैसेज था, सो मैसेज हम दे रहे हैं, कम टू माई पार्टी 8:09 PM टुडे। सो यहाँ पे हम कुछ फोटो वगैरह अपलोड कर सकते हैं, लेट बी दिस वन सेंड, शो चेक करेंगे, अभी मेल सेंड हो गया, अभी थोड़ा वेट करेंगे मेल आने के लिए, स्पाम वाम वगैरह चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी स्पाम पे भी चला जाता है। यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं, इसका अभी तक तो मेल आया नहीं है, इसके अभी स्पाम देख लेते हैं, स्पाम नहीं अभी तक आया नहीं है मेल यहाँ पे। सो मेल अभी तक आया नहीं है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा स्पाम भी चेक कर लेते हैं, मेल आया कि नहीं आया है, स्पाम, हाँ स्पाम पे आ गया अभी इनविटेशन। तो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट नोटा स्पाम कर दिया तो ये इनबॉक्स में आ गया। सो देखिए यहाँ पे बीटा क्यू सॉल्यूशंस पे जो मेल आया है इस मेल आईडी पे, सो यहाँ पे बीटा क्यू सॉल्यूशंस पे आ गया है, लिखा हुआ है। और दूसरा जो मेल था मेरा, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे तो अभी तक आया नहीं है, इसका भी स्पाम चेक कर लेते हैं, स्पाम हाँ यहाँ पे आ गया है स्पाम पे। सो देखिए यहाँ पे मेरा था विश्वजीत @कौस्तभ ग्रुप, तो विश्वजीत यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो अटैचमेंट है देखिए वो अटैचमेंट भी यहाँ पे खुल रहा है, मतलब ये सक्सेसफुली अभी ये फॉर्म जो है, मतलब जो असाइनमेंट है वो अभी कंप्लीट हो गया है, जिस तरह से दिया गया था असाइनमेंट ये हो गया है कंप्लीट अभी। अगर ये असाइनमेंट आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल बीटा क्यूब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। Thank you for watching this video.